झाबुआ में कांतिलाल भूरिया स्ट्रांग रूम में पहरा दे रहे हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और रतलाम झाबुआ लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया कल रात को अचानक से झाबुआ के पॉलिटेक्निक कॉलेज से स्ट्रांग रूम में पहुंचे सोने के लिए, जहां ईवीएम रखी है। ईवीएम को अर्धसैनिक बलों की निगरानी में रखा गया है। कांतिलाल भूरिया यहीं जमीन पर बिस्तर लगाकर लेट गए। कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया का आरोप है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम झाबुआ लोकसभा उपचुनाव में भी फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है और आखिरी कोशिश में ईवीएम को बदल सकते हैं और इसीलिए वो खुद ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। आपको ये बता देंगे, शनिवार को हुए चुनाव की कल काउंटिंग। Thank you.